क्या कभी आपने सोचा है कि नए घड़ियों में हमेशा 10:10 क्यों होता है? आप बहुत से महंगी घड़ियाँ और सस्ती घड़ियाँ किनते होंगे, लेकिन आप उनमें एक कॉमन बात जरूर नोटिस करते होंगे कि सभी घड़ियों की सुई 10:10 पे अटकी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। सबसे पहली बात, इस समय पर आप घड़ी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि घड़ी मुस्कुरा रही है, आपने हंसने वाली स्माइली देखी होगी। जब घड़ी में 10:10 का समय होता है तो वो भी ऐसी ही लगती है। दूसरी बात, कुछ लोगों का मानना है कि जिस वक्त पहली घड़ी बनी थी या पूरी हुई थी उस वक्त यही समय हो रहा था, इसलिए घड़ी का डिफिकल्ट टाइम 10:10 ही सेट कर दिया गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु ठीक इसी समय पर हुई थी, इसलिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए घड़ियों पर यह समय दिखाया जाता है। यह जानकारी भी सही नहीं है क्योंकि लिंकन को 15 अप्रैल 1865 को रात ठीक 10:15 गोली मारी गई थी, लेकिन अगले दिन सुबह 7:22 पर उनकी मृत्यु हुई थी। इस घटना से जुड़े सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद है जिनसे मिले इन तथ्यों के आधार पर घड़ियों में 10:10 दिखाने की गुत्थी नहीं सुलझती है। एक धारणा यह भी है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर ठीक इसी समय बम गिराया गया था, लेकिन समय के आंकड़े यहाँ भी मेल नहीं खाते हैं। कांटों को इस तरह सेट करने के पीछे एक मंशा यह भी है कि ऐसा करने पर निर्माता कंपनी का नाम भी अस्पष्ट दिखाई देता है जो अमूमन 12 के पास लिखा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।